सो गाइस, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, बीच में या फिर लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो वीडियो बिना स्किप किए जरूर पूरा वॉच कीजिए। हे गाइज, आई एम शिव, वेलकम बैक टू योर चैनल शिव अर्नव। सो कैसे हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मुझे जरूर बताना। और गाइज, आज तो वैसे एक्चुअली बाल बाल कटवाने हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग भी हो गए, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमारे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइज, वैसे मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक चीज़ हमेशा चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाई उसके ऊपर कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, पर होता है ना आपके साथ भी कि जब आप किसी के ऊपर, मतलब कोई ऐसा पर्सन आपको पसंद आता है, कोई भी लड़का, और आप फीलिंग बता नहीं पाते, आप सोचते हो कि क्या करूं मैं इससे ताकि मुझे मतलब उसे पटाने के लिए ना ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े, सब कुछ चीज़ें बहुत ईजीली हैंडल हो, और जो काम मैं मतलब करना चाहता हूँ या फिर जो भी उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ वो सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से हो जाए। सच्चे मन से बताना ये सब कौन कौन चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग चाहते होंगे जो भी सिंगल वगैरह होंगे, ऑब्वियसली रिलेशन वाले तो नहीं चाहते कि मेरे साथ कोई, मतलब ऑब्वियसली उनका पार्टनर होता है तो वो इस बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, अट्रैक्शन होता है वो अलग बात होती है, बट हाँ मतलब ये सारी चीज़ें तो जो सिंगल पर्सन है उनके मन में आती ही आती है। तो गाइज, मुझे एक बात बताइए, आप क्या करते हो जब भी आपको कोई ऐसा स्ट्रेट लड़का, कोई अगर स्ट्रेट लड़का होता है जिसको आपको पटाना है, आप क्या करते हो, कौन सी ट्रिक आजमाते हो जिससे आप उसको पटाते हो? और कुछ कुछ लोग ना उठपटांग हरकत करते हैं, अपना गर्लिश बिहेवियर उनके सामने रखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और गर्लिश के ऊपर ना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कब बनाऊंगा पता नहीं बट बहुत जल्दी बनाऊंगा क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर भी मुझे बात करनी है। तो गाइज देखिए, सामने वाला पर्सन जो भी होगा, जो जिसको आप लाइक करते हो, जो आपको बहुत पसंद है और जिसके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हो कि ये लड़का मेरा पार्टनर बने, तो गाइज सबसे पहले उसके सामने ना गर्लिश बिहेवियर मत करो, क्योंकि हाँ मतलब 100 में से मिनिमम केस में 5% ऐसा चांस होता है कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोग होते हैं, जो पर्सन होता है, फिर जो मतलब लड़का होता है, उनको हमारी ये सब आदतें पसंद आती है। पर ज़्यादातर कुछ लोगों को ये आदत बहुत गंदी लगती है और ऊपर से पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो जब भी आप मतलब उस लड़के को जब पटाने जाते हो तो सबसे पहले एक बात याद रखना, उसके सामने गर्लिश बिहेवियर मत करना। सेकंड पॉइंट, आप खुद से ज़्यादा फोर्सफुली कोई भी चीज़ करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी कुछ भी, पर फोर्सफुली कोई भी चीज़ मत करना, क्योंकि जब आप फोर्स दिखाते हो ना वहाँ पर सामने वाला बस आपसे काम निकलवाता है। बिकॉज एक बात गाइज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या होता है ना इस फील्ड में ना, मतलब अभी जो नॉर्मल लड़के भी होते हैं वो भी अभी इस फील्ड का फायदा उठाने लगे हैं, क्योंकि उनको तो मतलब लड़कियां कम है, आप सभी को पता है हमारे पूरे इंडिया में लड़कियों का जो मतलब ग्राफ है वो मेल के ग्राफ से बहुत नीचे है। इस वजह से क्या होता है कि लोग मतलब कोई भी स्ट्रेट लड़का होता है उनको लड़की वगैरह पटाने के लिए नहीं मिलती, तो वो सोचते हैं कि टेम्परेरी काम चलाऊं। तो इन सब के झांसे में आप जैसे लोग आते हैं जिनको एक अच्छा रिलेशन चाहिए होता है, आप जो करते हो एक रिलेशनशिप के लिए करते हो, बट वो लोग कुछ अलग समझते हैं। तो गाइज यही इसलिए मैंने बोला कि आप कुछ भी करो फोर्सफुली मत करना। सेकंड पॉइंट, आप ना स्टार्टिंग में उसको एलजीबीटी के बारे में या फिर गे फील्ड के बारे में मत बताओ। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ बताते हो ना तो जो लड़का आपसे ज़्यादा मतलब आपके करीब आने वाला ही होता है ना, वो शायद आपकी इन बातों की वजह से वो ज़्यादा दूर चला जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लड़का होता है उनको जब भी आप पटाते हो तो उसको कभी भी मतलब बिल्कुल ही, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ही मत बताना जल्दी कि आप क्या हो या फिर क्या नहीं। हाँ,
एक ऐसा टाइम आता है आपकी रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में, क्योंकि जब आप फ्रेंडशिप करते हो तब आपकी फ्रेंडशिप में एक ऐसा मोमेंट आता है वहां पर ना आपको बताने का मौका मिलता है, तो वहां पर आप बता सकते हो कि आप मतलब क्या हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। और जब आप ऐसी फीलिंग्स उनके सामने एक्सपोज करते हो, अगर वो लड़का इसके प्रति आपको सहमति दिखाता है तो ऑब्वियसली वो आपसे मतलब रिलेशन बना सकता है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ नहीं बता सकता, बट हाँ ऑब्वियसली वो रिलेशन बना सकता है। बट पूरा प्योर श्योर हो जाने के बाद ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। और गाइस थर्ड बारी आती है हमारा, कि जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि ट्रस्ट और इमोशंस, ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ ही बोलूँगा, ये ज़्यादातर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कों में कभी मत करना। आप क्या करते हो कि जब भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का पटाने की बारी आती है, आप सीधा उसको जो भी मन की बात होती है वो उसके साथ मतलब कुछ भी शेयर करने लगते हो। तो गाइस ये गलत बात है। पहली बात कि वो लड़का आपसे इतना मिलता नहीं है, मतलब एज होता है ना एक हमारा फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है वो आपसे उनका मिलता नहीं है। हाँ एक फ्रेंडशिप तक लिमिट होता है, बट उसके आगे जो भी आपका पर्सनल इश्यूज होता है या फिर पर्सनल बातें होती है वो प्लीज मत शेयर किया कीजिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपको प्योर तरीके से श्योर ना हो। और गाइस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा लोग इस मामले में गड़बड़ करते ही करते हैं और हमेशा अपने मुंह की खाते हैं। तो क्या करते हैं गाइस, जब भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का होता है ना, तो हमारे जो ज्यादातर बॉटम होते हैं या फिर टॉप, टॉप में बहुत कम होता है बट ज्यादातर बॉटम, वो लोग क्या करते हैं, उनको ना फिजिकली इशारा करते हैं, मतलब उनको छूने की कोशिश करना, उनको मतलब यू नो प्राइवेट पार्ट पे छूने की कोशिश करना, उनको उनके बाजुओं को छूना, उनके शोल्डर को छूना, उनके बदन को छूना, उनको गालों को छूना, मतलब ये सब हरकत ही करते हैं, मतलब टचिंग जो होता है इसका मेन पॉइंट टचिंग बोलूंगा, फोर पॉइंट। तो गाइज ये भी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हाँ टचिंग से क्या होगा, हालांकि वो लड़का शायद आपके साथ अटैचमेंट उसका बढ़ भी सकता है, बट वो एज ए फिजिकली एज ए रिलेशनशिप के लिए कभी नहीं बनेगा। हाँ अगर आपको फिजिकली बनाना है तो ऑब्वियसली आप ये सब हरकत कर सकते हो, बट आपको एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चाहिए एक स्ट्रेट लड़के के साथ, तो उसके साथ गाइज प्लीज आप ऐसे मतलब जो टचिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह जो भी मैंने अभी पॉइंट बताए वो पॉइंट प्लीज हमेशा ध्यान रख के आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हो स्ट्रेट वाले लड़कों के साथ। सो गाइज इस तरीके से आई होप सो आपको पता चल गया होगा, और मेरी इस वीडियो से अगर आपको कोई भी ज़रा सी भी हेल्प हुई होगी तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का आईडी नेम है shiv.arinav। सो गाइज मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।